और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि जहाँ हम रहते हैं आसपास कोई ट्रेलर या बुटीक नहीं होता। अगर होता भी है तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। ऐसे में कपड़े सिलवाने की बात तो और, लेकिन जो ऑल्ट्रेशन का काम होता है उसके लिए हम क्या करें? जब कभी कपड़े उधड़ जाते हैं या कोई फट जाता है, उसे ठीक करना होता है, छोटा बड़ा करना होता है, तो उसके लिए हमें सोचना पड़ता है। या तो बहुत सारे पैसे खर्च कीजिए या फिर उन कपड़ों को गोल मोल करके अलमेरा में रखते जाइए। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, कई सारे कपड़े आपको बनाकर दिखा दूंगी, जिससे आपको ट्रस्ट ये होगा कि हाँ, अब हम भी इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि एकाध कपड़े पर जब मैं यूज करके दिखाऊंगी तो आप नहीं कर पाओगे। तो अब बारी आती है पहली चीज आपको दिखाने की कि कोई भी कपड़े को हमें छोटा करना हो या फोल्ड करना हो तो कैसे करें। अब हमें चाहिए क्या इसे ठीक करने के लिए? कपड़ों को हमें चाहिए ये रिवल सिविल टेप। ये आपको आसानी से कहाँ मिलेगा वो मैं आपको आखिर में या बीच में बताती रहूंगी। आज हमें सुई धागा मशीन कुछ नहीं चाहिए, बस एक आयरन चाहिए, नॉर्मल वाली आयरन जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं। कटोरी में थोड़ा सा पानी ले सकते हो, कुछ पेपर के टुकड़े ले सकते हो और आप ये टेप ले सकते हो। चलिए सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, एक नॉर्मल सा आप कपड़ा लीजिए, उस पर पहले ट्राई कीजिए, आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि ये मैंने कैसे किया। यहाँ मैंने कपड़े पर हल्का सा पहले मोड़ा इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी को ऑल्ट्रेशन करते हैं तो पहले छोटा मोड़ते हैं, उस पर पहले प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद आप उतना मोड़िए जितना आपको फोल्ड करना है, छोटा करना है पैंट या कुछ भी छोटा करना है। मैंने जरा सा पानी भी लगा दिया है, मैंने कहा था ना आपको कि पानी चाहिए थोड़ा सा और प्रेस चाहिए, हल्की गर्म प्रेस, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं, मीडियम प्रेस होनी चाहिए जैसे हम कपड़ों पर करते हैं। बस आपको क्या करना होगा, मैंने फोल्ड करके आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर मैं चौक से निशान लगा रही हूँ, निशान सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ आपको दिखे इसलिए। निशान लगाने के बाद ये जो टेप है, जितना आपको मोड़ना है वो टेप को अंदर लगा लीजिए, मतलब निशान के नीचे लगा लीजिए। अब आप कपड़े को फोल्ड करिए, हल्का सा पानी लगाइए, क्योंकि ये कपड़ा कॉटन का है, जलने का डर नहीं है, तो मैंने अभी पेपर यूज नहीं किया है। देखिए इसका मैजिक, जैसे ही मैंने प्रेस हटाई ये चिपक गया इसमें, आपकी सिलाई बुनाई तुरपन सब इसमें हो गया। और ऐसा नहीं है कि ये कपड़ा धुलने के बाद आपका पूरा निकल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि हम टेलर से सिलाई लगवाते हैं या खुद सिलाई लगाते हैं या तुरपन करते हैं तो कपड़ा धुलने के बाद थोड़ी खुलता है, बिल्कुल वैसा ही होगा। तो ये मैजिक आप करके देखिए। अक्सर ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को आती है जहाँ हमारे घर में मशीन नहीं होती, सुई धागा नहीं होता, कहीं हॉस्टल में रहते हैं, कहीं बिगनर्स हैं, बैचलर्स हैं, कहीं ऐसी जगह रहते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाती है। जैसे पैंट की तुरपन खुल जाएगी या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई चीज़ को छोटा बड़ा करना होता है तब हमें प्रॉब्लम आती है। अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ, जैसे कई बार पैंट या कोई भी ट्रैक पैंट ऐसे खुल जाता है तो उसको कैसे ठीक करें। चलिए, जितना आपको बंद करना है उतना ही आप टेप काटिए, जहां आपको फोल्ड करना है वहीं पर ही धीरे धीरे प्रेस करते जाइए। पानी के छींटे लगाने हैं तो लगाइए, वरना कोई जरूरत नहीं है। अभी ये जो दोनों कपड़े हैं, मैंने दोनों में पेपर वगैरह यूज नहीं किया है क्योंकि दोनों मोटे हैं, मुझे डर नहीं है। और जो कि पतले कपड़े होते हैं वहां पर हमें क्या प्रिकॉशन लेना है वो भी आगे देखिएगा। कई बार नए नए हमारे फेवरेट से कपड़े फट जाते हैं, खिंच जाते हैं या किसी भी वजह से खराब हो जाते हैं, उनको हम ठीक जरूर करें, नहीं तो हमें बड़ा दुख होता है, उन फेवरेट से कपड़ों को हम दोबारा पहन ही नहीं पाते। ये देखिए, मैं धीरे धीरे उसकी तुरपन कर रही हूँ, यूं समझ लीजिए, बिना सुई धागे के, बिना मशीन के। आप देख रहे हैं, मुझे सुनने से ज्यादा जब आप देखेंगे ना पूरा वीडियो तो आप सारी चीजें समझ पाएंगे। मैं बहुत सारी चीजें ऐसे भी दिखाऊंगी, कई बार हमें ऑल्ट्रेशन करनी होती है, किसी सूट को ढीला करना होता है, टाइट करना होता है, सब चीजें ये कर देगा टेप। लेकिन उसके लिए आपको हर स्टेप वीडियो का देखना होगा, जिससे आप हर चीज़ समझ पाएं। इस टेप को यूज़ करने के लिए कोई बिगनर भी काम कर सकता है, बैचलर भी कर सकता है। मैंने सोचा ये ट्रिक यदि आपको बताऊंगी तो आप ये सारी चीज़ें आप खुद ही कर लोगे, आपको परेशानी नहीं होगी। और मैं बताऊं, जो नॉर्मल हम लोग तुरपन करते हैं उससे फिर भी आपको बाहर से कुछ दिखता है, इससे आपको कुछ दिखता ही नहीं है। बहुत बढ़िया, एक बार पैक हो गया मतलब अब ये नहीं खुलेगा, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं खुलेगा।
मैं बिना ट्रस्ट के आपको कोई भी वीडियो नहीं दिखाना चाहती, जब तक कि मैं खुद ट्रस्ट होता है मुझ पर, मुझे किसी भी चीज़ पर, तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि अगर आपको दिखाऊंगी और आप वो नहीं, आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले इसके लिए मुझे खुद पहले मेहनत करनी होती है, उसके बाद ही मैं आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर करती हूँ। अब बारी आती है, कई बार हमारे सूट बहुत लूज हो जाते हैं, उन्हें ठीक करना होता है, कई बार टाइट हो जाते हैं या फट जाते हैं साइडों से, तो उन्हें कैसे ठीक किया जाए? साइड से ये देखिए, जब मैंने इसको ऑल्टरेशन किया था तो कुछ ज़्यादा ही सिलाई खुल गई थी। हालांकि मैं इसको मशीन से ठीक कर सकती थी, पर मैंने सोचा बिना मशीन के, बिना सिलाई सुई धागे के आपको कैसे ठीक करके दिखाऊं। तो सबसे पहले कपड़े को ना आयन करिए। कॉटन का खास तौर से जो कपड़ा होता है, जहाँ जहाँ हमें मोड़ना है उसे ठीक करना है, पहले प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद इसमें टेप लगाइए। अब टेप लगाने से मुझे साइज तो पता चल गई, पर इसमें ना टेप, ये जो मतलब पतला करना है मुझे टेप, क्योंकि ये बड़ा टेप है, अंदर जगह इतनी बड़ी नहीं है, मुझे छोटा करना है इसको। आप देख रहे हैं मेरी बात को, समझ रहे हैं? इसे मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ, यहाँ देख लीजिए, क्योंकि बड़ा टेप ना इसमें काम नहीं आएगा और ये रिवर्सिबल होता है, दोनों साइड से चिपकता है, इसलिए आपको ये चीज बड़े ध्यान से देखनी है। जितनी सिलाई आपकी फटी है बस उतना ही आपको टेप चाहिए। ये देखिए, कई बार हम आते हैं जाते हैं इस तरफ से तो हमारी शर्ट भी ना कहीं दरवाजे से अटक के फट भी जाती है, वो भी सब काम कर देगा ये टेप। बहुत ही पतला ट्रांसपेरेंट ये टेप होता है, दिखता भी नहीं है कि हमने किया क्या है इसके साथ, और रफू का काम भी ये सारा कर देता है। ये देखिए, अभी तक तो मैं आपको सिलाइयां ही दिखा रही हूं, बाद में मैं आपको रफू भी बताऊंगी कि कैसे ये रफू भी कर देगा। पूरा वीडियो देखिए। अब यहां पर अपन ने ये टेप लगा दिया, अब हमें ये जोड़ना है। अब मैं यहां पर पेपर रख के कर रही हूं, क्योंकि फिर ना ये प्रेस से चिपक सकता है टेप। मैं पेपर रख के आपको करके दिखा रही हूँ। बारीकी से देखिए, मैंने जितनी मुझे सिलाई करनी थी उतना मैंने टेप रख दिया है। यहाँ पर रख दीजिए पेपर और आप रखिए प्रेस। कुछ सेकंडों के लिए प्रेस यहाँ पर रख ही दीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि पेपर के नीचे तक उसको आँच मिलनी चाहिए। तो आप इसे थोड़ा अच्छे से रखिए। अब देखिए मैजिक, ये जो कपड़ा फटा हुआ था पॉकेट के साइड में फटा हुआ था, बहुत बुरा लग रहा था, ये देखिए हो गया ना मैजिक, बढ़िया सा पैक हो गया। और इतना अच्छा पैक हुआ है कि नॉर्मल आपकी मशीन या सुई भी नहीं कर पाती है। ये देखो, ये ऊपर से पॉकेट है और नीचे आपकी सिलाई हो गई है, बढ़िया। इससे अच्छी सिलाई आप कर सकते हो नहीं ना? तो बस, अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से मैं करके दिखा रही हूँ। मैंने नीचे नीले रंग का कपड़ा रख दिया जिससे आपको दिखे कि मैं कैसे टेप लगा रही हूँ। तो हजारों खर्च करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो मत खरीदिए, आपका टेप ही बहुत कुछ कर देगा आपके लिए। छोटा सा टेप है और बहुत ही मैजिकल ये रिजल्ट देता है आपको। इसे भी आप इसी तरीके से पैक कर लीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया पैक हो गया ना ये। ये ऊपर पॉकेट है, नीचे चौक है, जो स्लिट्स होती हैं, बहुत बढ़िया पैक हो गया है, कुछ खुलने का चांस ही नहीं है। अब बारी आती है, साड़ी में किसी भी वजह से कट लग जाता है तो उसको कैसे ठीक किया जाए? सिल्क की साड़ी है, हम कैसे करेंगे? तो जितना कट लगा है उससे थोड़ा सा बड़ा आपको टेप काटना होगा। अब टेप तो मैंने काट लिया, अब इस पर सिर्फ टेप नहीं लग सकता, मैंने बताया था ना रिवर्सिबल टेप होता है, तो हमें साड़ी को उल्टा करना होगा, या कोई भी कपड़े पर आप कर रहे हो तो उल्टा करके आप इस टेप को लगा दीजिए। ये देखिए, अब टेप के ऊपर अगर मैं प्रेस या पेपर रखूंगी तो कुछ नहीं होगा, उसी पे ही चिपक जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इसी टाइप का कपड़ा चाहिए। तो कपड़ा हम कैसे लाएं, जैसे साड़ी का जहां से हम साड़ी अटैच शुरू करते हैं वहां से आप कपड़ा थोड़ा सा निकाल सकते हो। मैंने भी निकाला, ये देखिए पीको किया हुआ कपड़ा है, उसका छोटा सा पार्ट में निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से पीको वाले करते हैं, ढेर सारे हमसे पैसे भी लेते हैं, कई दिन भी लगा देते हैं और नखरे भी करते हैं। ये देखिए, हमने इसके ऊपर कपड़ा रख दिया, अब पेपर रख दिया, अब इसे आयन कीजिए। आयन जब भी करें कपड़े को देख के करें, ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा गर्म प्रेस हो आपका कपड़ा जल जाए, मतलब पहले से ही फटा है उसे ठीक होने से ज़्यादा कपड़ा ही जल जाए, ये गलती बिल्कुल ना करें। ये देखिए, आपका कपड़ा सिल चुका है और इतना अच्छे से सिल चुका है कि वो खुलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं खुलेगा। एक बार और भी आप इसके ऊपर प्रेस रखिए। अब बारी आती है सीधे कट की बात, तो और लेकिन जो एल शेप में कभी कभी कट जाते हैं ना, जैसे कि कभी हम साड़ी पे पिन लगाते हैं कट जाता है, या फिर साड़ी में किसी भी वजह से कट लग जाता है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए? ये भी मेरे पास एक कपड़ा है और इसे मैंने जान करके कट लगाया है। जान करके इसलिए लगाया है जैसे मैं आपको दिखाऊं कि एल शेप में जब कट लग जाता है तब हम उसको कैसे जोड़ें।
हमेशा उल्टे साइड से ही आपको रफू करना होता है। उसको दोनों तरफ से जोड़िए अच्छे से। उसके बाद अब उतनी साइज का आप कपड़ा काटिए और टेप को दो जगह काटिए, क्योंकि एल शेप में वो कटा है ना, ये देखिए इस तरीके से। मुझे सुनने से अच्छा है आप इस पर देखिए अच्छे से। अब हल्का सा पानी के ड्रॉप भी मैंने डाल दिए। अब ऊपर से पेपर रखा है, अब प्रेस रखिए। कपड़ा काफी पतला है तो प्रेस को ध्यान से रखिए। वैसे तो मैंने पेपर रखा है तो मुझे डर नहीं है, पर फिर भी ये देखिए कपड़ा चिपक चुका है। ये देखिए आपको कहीं से भी इसका फटा हुआ पीस दिखेगा ही नहीं। हाँ, नीचे से कपड़ा जरूर दिखेगा, कोई बात नहीं, पर आपका कपड़ा फटा हुआ नहीं दिखेगा। अब आप चाहें तो एक्स्ट्रा कपड़े को फाड़ सकते हो, हटा सकते हो, काट सकते हो, पर मैंने नहीं काटा है। तो बच्चों, वन बाय वन मैंने सारी ट्रिक्स आपके साथ शेयर की हैं। अब आपके मन में एक ही सवाल उठेगा, क्या ये टेप मजबूत होगा? धोने के बाद खराब तो नहीं होगा? बिल्कुल मजबूत है, जैसे कि हम सिलाई लगाते हैं ना, उसी तरीके से मजबूत है। अब बच्चों, आपके मन में एक ही सवाल हो रहा होगा, ये टेप आखिर मिलेगा कहाँ? तो ये मैजिकल टेप आपको मिल जाएगा दो जगह, जैसे कि ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। ऑफलाइन आपको वहाँ मिलेगा जहाँ पे टेलर की दुकान की सारी सामग्री मिलती है। और ये मैजिकल ट्रिक अगर आपको पसंद आई हो तो आप शेयर जरूर करना फ्रेंड्स और फैमिली को, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड सर्कल होती है, उनको भी यही टाइप की परेशानियाँ होती ही हैं।